हेलो स्टूडेंट, आज हम बनाएंगे फ्रूट बास्केट। उसके लिए हमें पेंसिल, इरेजर एंड शेडिंग पेंसिल बॉक्स। इसमें 6B, 4B, 2B, HB पेंसिल्स होती हैं, ठीक है। इसमें से हम कुछ पेंसिल्स यूज़ करेंगे। फ्रूट बास्केट हम शेडिंग में बनाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें यू शेप में एक शेप लेनी है बास्केट बनाने के लिए, ऐसे। फिर एस शेप में हम इसके ऊपर की जो बॉर्डर है वो हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ऐसे अब हम इसके अंदर जो फ्रूट्स रखे हैं वो ड्रॉ करेंगे, लाइक एप्पल। एप्पल के लिए हम एक सर्कल, ऐसे एप्पल ड्रॉ गया। इसके बराबर में हम कुछ ग्रेप्स या जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे। छोटे छोटे सर्कल में हम ग्रेप्स शो करेंगे, ग्रेप्स, चेरी, जो भी हमें पसंद है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हम एक इसकी लीफ ड्रॉ कर देंगे, इसके लिए सेंटर लाइन, और फिर हम लीफ की शेप में ऐसे लाइट लाइट कर्व लेते हुए वो लीफ की शेप ले देंगे, ऐसे। अभी हम लाइटली पेंसिल ड्रॉ करेंगे, डिटेल हम सारी शेडिंग पेंसिल से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम कुछ लीव्स शो कर देते हैं। ये हमने सेंटर लाइन ली है और इसमें हम बाहर से लीफ की शेप दे देंगे, ऐसे। फ्रूट्स हम नीचे की साइड भी रखे हुए दिखाएंगे। ये बास्केट स्टैंड, यहाँ पर भी हम थोड़े से ग्रेप्स या चेरी कुछ भी शो कर सकते हैं। ये यहाँ पर चेरी बना दी मैंने। ऐसे इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। बास्केट में हम कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे। वैसे मैं एक बहुत सिंपल सा डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप ये भी बना सकते हो। केवल लाइन से ही फिट करना है। ऐसे टेक्सचर्स दे देंगे हम इसके अंदर। थोड़ा
टेक्सचर देने से थोड़ा सा और अच्छा लगने लगती है बास्केट। कोई भी डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो आपको पसंद है। अब हम इसके एक हैंडल ड्रॉ करेंगे बास्केट का। तो ये भी हम यू शेप में ही ऐसे लाइन कर्व लेते हुए सेमी सर्कल बना लेंगे। उस लाइन को डबल लाइन कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पर हम कोई भी डेकोरेटिव पीस लाइक रिबन का लुक दे देंगे। रिबन टाइप हो रहा है इसके ऊपर। स्केचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग के लिए हमें 6B या 4B की पेंसिल यूज कर सकते हैं, 8B भी ले सकते हैं। ये मैं 6B की पेंसिल ले रही हूँ। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये हैंडल में थोड़ा इसका डिजाइन दे रही हूँ। सिक्स बी पेंसिल यूज कर रहे हैं। इसके हैंडल में हम स्मॉल कर्व लाइन से डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसी से हम शेडिंग भी करेंगे ऐसे। वन साइड शेडिंग कर रहे हैं लाइट लाइट। ऐसे हमें शेडिंग करनी है। देखो पेंसिल को हमें कैसे होल्ड करना है और कैसे हमें उसको यूज करना है। ये देखो लाइट हमें थोड़ा सा, जब हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग तो हमें पेंसिल लाइटली प्रेस करनी है, फिर प्री छोड़ देनी है। हल्का सा प्रेस करेंगे, जहाँ भी हम डार्क शेड करेंगे वहाँ थोड़ा पेंसिल को प्रेस करेंगे, और जहाँ पर हमें लाइट शेड करनी है वहाँ थोड़ा पेंसिल को लाइटली करेंगे, लाइट होल्ड करेंगे पेंसिल को, और जहाँ थोड़ा डेप्थ दिखानी है वहाँ थोड़ा प्रेस करके। भी ऐसे बस मेथड हमारा यही है। जहां पर भी हमें थोड़ा डेप्थ दिखानी है, डार्क शेडिंग करनी है, थोड़ा सा पेंसिल टाइटली होल्ड करेंगे, और जहां हमें लाइट करना है वहां हम उसको थोड़ा लाइट प्रेस करेंगे। बहुत इजी है शेडिंग करनी, इसी मेथड से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। पूरे मेथड से अब हम ऐसे कसा कर्व लेके राउंड राउंड सारे ग्रेप्स इसी मेथड से कंप्लीट करने। शेडिंग का प्रोसेस यही है सब में सेम।
हर ब्लॉक में इसी तरह से शेडिंग देंगे। हाफ शेडिंग पेंसिल ही यूज करना, 6B या 8B शेडिंग आएगी HB पेंसिल। तो देखो ऐसे हमने वन बाय वन सारी शेडिंग कंप्लीट की है, क्लियर हो जाएगा डिज़ाइन। अभी हम इसमें बहुत इजी से मेथड है ये। अब नीचे का हम बहुत लाइट शेडिंग करेंगे ऐसे, इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग थी वो हम गिफ्ट बनी है वो भी हमें जैसे हमने ऊपर की थी सेम हाफ में ही करना है, हमें पूरे ग्रेप्स में नहीं करना है, सिर्फ फिल करेंगे क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा देगा एरिया। ओके कंप्लीट करना। ओके